एंड रिकॉर्डिंग। गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग स्वयंभू सीनियर. आवर गेस्ट टुडे इज श्री सर्वेश गुप्ता जी. द टॉपिक इज सीनियर्स केयरिंग फॉर सीनियर्स. श्री सर्वेश गुप्ता कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल एंड केयरिंग बैकग्राउंड फ्रॉम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश. He is always inspired by books and incidents around him. He is an avid reader, keen observer, and always takes inspiration from people and incidents around him. He is definitely a Swayambhu senior at 72 years of age. Post-retirement, his desire to give back to the society grew stronger and he opted to work for seniors and joined a local NGO, Senior Citizen Forum at Haridwar. Along with some like-minded people, he registered the forum as Charitable Trust. Today, they have over 600 members in the forum. In May 2015, Senior Citizen Forum started a charitable physiotherapy center as well, along with daycare center for seniors, etc. They are also working on development of an institute for training of caregivers for seniors and lifelong learning center for seniors as well. He is a professional since 39 years. A BE mechanical engineer from IIT Roorkee. He had joined Bharat Heavy Electrical Limited at Bhopal, grew up to the position of general manager and retired from BHEL Haridwar in the year 2008. Thank you, Shri Sarvesh Gupta ji, for joining us. Our host for the evening is our Swayambhu mentor, Shri Anil Garg. Over to you, Anil ji. Let's understand from Gupta ji, seniors caring for seniors. नमस्कार मित्रों, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने सोचा एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं. कहानी क्या, मेरा अपना अनुभव. मैं मेरे एक मित्र थे जो किसी वजह से उन्होंने जॉब ले लिया बाहर का और चले गए, अमेरिका चले गए और पेरेंट्स यहाँ रह गए. पेरेंट्स थोड़े एजेड थे. ये बात है सन समझिए 2002 की. अब उस टाइम वो पेरेंट्स जो है बेचारे अकेले बड़े परेशान रहते थे. दोनों की हेल्थ अच्छी थी लेकिन उनको परेशानी ये रहती थी करे तो करे क्या. तो मेरे दोस्त ने मुझको कहा कि भाई एक बार जरा देखना, तुम कभी कभी चले जाया करो. तो मैं गया उनके पास. जब मैं जाता था तो वो बड़े खुश होते थे. तो आंटी जी बैठती थी, बोलती थी तुम क्या खाओगे, मेरे को कुछ बनाएंगी खिलाएंगी. तो मैं जब दो एक बार उनसे मिला तो मुझे समझ में आया कि इनकी परेशानी क्या है. उनकी परेशानी थी वो अकेलापन, आइसोलेशन. और वो कहते थे बच्चे की चिट्ठी नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा. कंप्यूटर थोड़ा नहीं आता था 2002 में. मोबाइल फोन इस टाइप के नहीं थे जो आप आज देखते हैं. तो मैंने उनको बैठ करके कंप्यूटर पे एक मैसेंजर डाउनलोड किया, उनके बेटे के साथ सेट किया और उनको उनसे बात करना सिखाया. और जब उन्होंने बात की तो उनकी ग्रैंड डॉटर अपनी नई फ्रॉक उनको दिखा रही थी और वो बड़े खुश थे. दोस्तों देखते देखते लगभग 15 या 20 दिन बाद उन्होंने शाम को बच्चों के लिए एक कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लास शुरू कर दी. छोटे बच्चे, उनकी कॉलोनी के जो बच्चे थे वो आ जाते थे. दोनों जने बच्चों के लिए टॉफियां, बिस्किट और कुछ पकौड़े वकड़े बना करके तैयार रखते थे. 5-7-10 बच्चे आ गए और उनके साथ वो टाइम बिताते थे. और उस अचानक से उसका होने के बाद उनकी हेल्थ इम्प्रूव होने लगी और वो खुश नजर आने लगे.
ये कहानी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बहुत बड़ी छाप छोड़ गई थी। मैंने अपने उस समय के कुछ मित्रों से कहा कि भाई ऐसा हमें करना चाहिए, जो हमारे मित्र हैं जो बाहर हैं, कम से कम उनके पेरेंट्स के साथ शुरू करें। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उसके बाद अपना गाजियाबाद छोड़ करके गांधीनगर जाना पड़ा कुछ नए अपने प्रोफेशन के सिलसिले में, तो वो कहानी कहीं छूट गई। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चलता था, और जब से हमने आपसे आपके साथ ये प्रोग्राम शुरू किया है, अचानक मेरी भेंट हुई श्री सर्वेश गुप्ता से, जिन्होंने इसी समस्या को लेकर के काफी अच्छे काम किए हैं। और देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि हम लोगों में एक ये मानना है कि भाई अब हम सीनियर हो गए, हमको हेल्प करने के लिए कोई जूनियर चाहिए, कोई यंगस्टर चाहिए। लेकिन आज जो आपको हम बताने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि कुछ नहीं चाहिए, अगर हम लोग आपस में यूनाइट हो जाएं तो एक दूसरे को बड़े अच्छे से संभाल सकते हैं। दैट इज व्हाई द टॉपिक टुडे इज सीनियर्स केयरिंग फॉर सीनियर्स। तो दोस्तों, मैं इनवाइट करता हूं और स्वागत करता हूं श्री सर्वेश गुप्ता जी का। नमस्कार सर्वेश जी। नमस्कार अनिल जी को, नमस्कार और सब श्रोताओं को भी नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, आज अहोई अष्टमी का त्योहार है, तो जो जो माताएं बेटियां जो अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, उन सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ जगह पर कुछ पिता भी करते हैं, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग नहीं करते हैं या जिनको नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने देखा वेस्ट में या साउथ में काफी लोगों को नहीं पता होता है, जैसे करवा चौथ आप लोग जानते हैं, महिलाएं अपने पति के लिए पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, ऐसे ही अहोई अष्टमी का त्योहार अपने बच्चों के लिए पूजा और व्रत करने का होता है। तो सब लोग जिनके जो इस त्योहार को मना रहे हैं, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर्वेश जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप अपने जीवन में जैसे जैसे प्रोफेशनली आगे बढ़ते जा रहे थे, क्या चीजें थी जो आपको इंस्पायर करती थी, और क्या चीजें थी जो आपके दिमाग में ये बनाती जा रही थी कि आपको भविष्य में क्या करना है? ऐसा है, मैं हरिद्वार में शुरू से कमर्शियल में रहा हूँ और अपने बिजनेस के सिलसिले में आई हैव टू ट्रेवल ए लॉट। मैं ऑल ओवर इंडिया सभी जगह गया और तरह तरह के लोगों से मुलाकात हुई और मैंने सब लोगों से बहुत कुछ सीखा। वो सब एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में हमेशा काम आए। मैंने देखा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो अकेलापन है, नेगलेक्ट है, पावर्टी है। तो जो नेगलेक्ट में हमारा जो डे सेंटर वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन पावर्टी में हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जो भी थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं, जैसे कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह डोनेट करते हैं या किसी को कोई हेल्प चाहिए इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं, तो ये सर, सब अच्छा लगा। और मैंने ये सोचा कि अब सीनियर सिटीजन्स के लिए ही काम किया जाना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड कम्युनिटी है हमारे देश में। तो सर, जहां आप जब आप रिटायर हुए, वहां से शुरू करते हैं। तो जब आप रिटायर हुए तो जी आपके दिमाग में ये था कि आपको सीनियर सिटीजन के लिए काम करना है? ऑफ कोर्स, जी। तो पहला आपने पहला पहला कदम क्या लिया उसके लिए? कदम, यहां मैंने एक एनजीओ था सीनियर सिटीजन फोरम, उसको ज्वाइन किया। और मुझे थोड़ा, क्योंकि मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, तो लोगों ने मुझे ही उसका अध्यक्ष बना दिया। फिर मैंने इसको रजिस्टर करवाया एज चैरिटेबल ट्रस्ट। सर, और जब ये आपने ज्वाइन किया, उस समय वहां उस फोरम की क्या स्थिति थी? वहां एक्चुअली कुछ एक्टिविटी होती थी या नहीं होती थी, या कितने मेंबर्स थे? आपने इसको रजिस्टर कराया क्यों? ऐसा है, पहले मेंबर्स 60-65 मेंबर थे और उनकी गैदरिंग भी साल में एक आध गैदरिंग, एक आध कोई पार्टी कर ली, हो गया जी था। जी उनकी जो रेगुलर मीटिंग भी होती नहीं थी, कोई रेगुलर मतलब प्रोफेशनली डिस्कस नहीं होता था कि क्या करना है, कैसे करना है। दैट जी वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो उसमें जी कोई थिंकिंग उस तरह की नहीं थी कि कुछ जी आगे बढ़ा जाए। जो
जो चल रहा है वो चल रहा है उस तरीके से। तो इसलिए फिर आपने डिसाइड किया कि इसको आगे अगर बढ़ाना है तो थोड़ा सिस्टमेटिक बढ़ाया जाए। बिल्कुल तो आप बता रहे थे कि आपने इसको एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर कराया। जी रजिस्टर कराया तो कुछ ट्रस्टीज बनाए होंगे, हाँ ट्रस्टी बनाए। ट्रस्टी बनाए, उसके बाद आपने कुछ अपना एक चार्टर डिफाइन किया होगा कि अब हम क्या क्या करना चाहते हैं और इमीडिएटली क्या क्या करेंगे, कैसे थोड़ा सिस्टमेटिकली आपने शुरू किया। जी पहले तो हमने शुरू ये किया कि सब लोगों को एक साथ टच में रहना जरूरी है। हमने जितने हमारे मेंबर थे उनको रजिस्टर किया, सबको एक कंप्यूटराइज लिस्ट बनाई, सबको कम्युनिकेशन सिस्टम एक डेवलप किया कि जो भी हमारे पास सूचनाएं हैं या इंफॉर्मेशन है उन सबको लोगों को कम्युनिकेट किया जाए। उस वक्त व्हाट्सएप नहीं होता था तो हम SMS से सबको सूचित करते थे। जी हमने कुछ सोचा कि रेगुलर गैदरिंग कुछ होनी चाहिए, जैसे होली मिलन है, दिवाली मिलन है या और कोई त्योहारों के ऊपर या वैसे ही कोई गैदरिंग, कोई हमने मान लीजिए काव्य संध्या ऑर्गेनाइज कर दी, इस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जाए ताकि लोग मिले और एंजॉय कर सके जी, आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांट सके। जी तो जब ये मीटिंग्स वगैरह शुरू हो गई तो ये तो सर एक क्लब के जैसा हो गया कि एक क्लब है, आप क्लब के मेंबर हैं तो आप क्लब में जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, लेकिन अब इसमें सेवा जो जो केयरिंग वाली बात है वो कैसे धीरे धीरे आई वो आप थोड़ा बताएं। और जो आप जो बात कर रहे हैं कि आइसोलेशन की जो प्रॉब्लम थी उसको आपने सॉल्व किया जी, वो जरा जानना चाहते हैं। ऐसा है, सन 2011 में एक मिस्टर M.K. रैना हमारे कॉन्टेक्ट में आए जी, जो काफी सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए, यहाँ AG इंडस्ट्री है उसमें वो ही वाज CEO, उनका और उनकी वाइफ का जो बेंड ऑफ माइंड राइट फ्रॉम बिगनिंग टू हेल्प सीनियर सिटीजंस था जी। 2005 में वो पुणे में थे और उन्होंने एक संस्था रजिस्टर करवाई, संस्था क्या एक सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करवाई नॉट फॉर प्रॉफिट, शहजार होम्स। ओके, और उनका जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि सीनियर सिटीजन की अकेलेपन की समस्या को दूर किया जाए जी। 2009 में उन्होंने एक पहला शहजार होम पुणे में खोला जी, उसमें काफी उनके जो जान पहचान के लोग थे, आसपास के लोग थे, काफी मेंबर्स बने, जो बहुत से लोग डिप्रेशन में थे या परेशान थे उन सबका भी समस्याएं काफी धीरे धीरे दूर हुई। एक आध केस ऐसे थे कि जिनमें उनके बेटे बेटे की डेथ हो गई थी तो काफी डिप्रेशन में रहते थे, तो धीरे धीरे उनको वहां लाके उनको इंस्टिगेट किया गया और उनको कोई भजन वजन गाने का शौक था वो सब उनका शुरू करवाया, एंड स्लोली ही केम आउट ऑफ द डिप्रेशन एंड ही बिकेम वेरी फ्रेंडली विद ऑल हिज फ्रेंड्स। सो दिस शहजार होम, सर ये शहजार वर्ड जो है इसका क्या मतलब होता है? शहजार बेसिकली एक कश्मीरी वर्ड है क्योंकि हमारे रैना साहब जो है ही बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम कश्मीर जी। तो शहजार का मतलब है कूल शेड, ठंडी छाया। ओ अच्छा अच्छा ओके, तो जैसे हम लोग बरगद की छाया बोलते हैं उस टाइप का कुछ हुआ। हाँ वहाँ चिनार की छाया होती है, वहाँ चिनार वृक्ष होते हैं। वहाँ चिनार की छाया होती है। तो ये बेसिकली शहजार होम जो है ये पूना से हरिद्वार शिफ्ट हो गया एक तरीके से, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं पुणे में भी है, हरिद्वार में भी है जी। एक्चुअली रैना साहब यहाँ आ गए, ये हमारे टच में आए 2011 में, तो उन्होंने हमको भी उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का एक सेंटर खोला जाए जी, उन्होंने हमें उसके बारे में बताया और इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी उन्होंने देने के लिए कहा कि आई विल सपोर्ट, आप एक रेंटेड अकोमोडेशन में इसको शुरू करिए, आई विल सपोर्ट जी। तो हमने रेंटेड अकोमोडेशन में मई 2013 में शुरू किया जी। तो ये आपका डे केयर सेंटर की शुरुआत थी जी। सर इसे डे केयर क्यों बोलते हैं? डे केयर यू कैन से इट इज जो हम लोग अपने हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो हमने वो क्रच देखा था, चाइल्ड केयर देखा था कि वो हस्बैंड वाइफ काम करने जाते हैं, बच्चे को सुबह वहां छोड़ दिया, शाम को वहां से ले लिया, तो क्या कुछ ऐसा है? लेकिन मैंने जब आपसे बात की तो मुझे ऐसा तो लगा कि ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है जी, है कि सुबह नहाने धोने के बाद नाश्ता वाश्ता करने के बाद लोग फ्री हो जाते हैं जी, उसके बाद उनको घर में कुछ काम नजर नहीं आता तो वहाँ आ जाते हैं, वहाँ मिलके बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, कुछ खेलते हैं जो उनकी इच्छा हो,
जी, बार तो बार पढ़ते हैं। वहां पर कुछ खेलने का सामान वगैरह इकट्ठा किया होगा। हाँ, खेलने का है वहाँ, चेस है, कैरम है। जी ओके, तो और क्या एक्टिविटी रहती है? तो डेली वहां कुछ लोग आते हैं जो आपस में अपने साथ टाइम बिताते हैं, तो उनका हाँ, अकेलापन वहां दूर होता है। यस कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्टरनेट डे आते होंगे या जैसे तैसे। जी। जी, उसके बाद वहाँ हमारी एक छोटी सी किचन भी है हमारे पास, कुछ चाय वाय जो है वो बना सकते हैं वहाँ। और वहीं जी, हमने एक होम्योपैथी डिस्पेंसरी भी शुरू की, चैरिटेबल होम्योपैथी डिस्पेंसरी। अच्छा हमारे एक मेंबर हैं मिस्टर आरडी गोयल, वो जी होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं, पिछले 40 साल से प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो ही जी इज गिविंग फ्री सर्विस देयर एंड वी आर चार्जिंग ओनली नॉमिनल अमाउंट ऑफ ₹10 पर विजिट फ्रॉम द अच्छा पेशेंट्स। क्योंकि ये तो सोच के इज दिस ओपन टू जनरल पब्लिक आल्सो और इट इज ओपन फॉर ओनली फॉर द मेंबर्स? नहीं, इट इज ओपन फॉर ऑल, इट इज ओपन अच्छा फॉर ऑल। ओके ओके, तो आपने ऐसा मुझे बताया था, मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लूं, आपके इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो लोग करता धरता हैं? जी, बिल्कुल। वेरी गुड, तो आपने एक अब ये डिस्पेंसरी खोल दी, जी उसके अलावा एक आपका जगह है जहां लोग आते हैं, दिन में अपना टाइम बिताते हैं, अपना एकांत समय जो है वो घर में काटने के बजाय वहां आकर के आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं। तो सर नॉर्मली डेली ऑन एन एवरेज 25, 30, 40 कुछ लोग आते होंगे, हाँ, करीब 30-40 लोग आ जाते हैं। आ जाते हैं। फिर कोई स्पेशल एक्टिविटी? स्पेशल एक्टिविटी ऐसा है, एक वीकली हमारा सत्संग होता है, वीकली सैटरडे शाम जी को। जी अल्टरनेट सैटरडेज में गीता स्वाध्याय और उत्तरकांड पाठ। अच्छा हमारे एक मेंबर ही हैं जो गीता के काफी अच्छे विद्वान हैं, तो गीता स्वाध्याय का कार्यक्रम वही ऑर्गेनाइज करते हैं और जी काफी अच्छा उनका नॉलेज है गीता जी के ऊपर। फिर जी फिर कुछ? हम मंथ हाँ एंड जी में हम सुन, एक मंथ एंड में हम एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें वेडिंग एनिवर्सरी एंड बर्थडे जिन लोगों के उस महीने में पड़े होते हैं, तो जी कंबाइंड कार्यक्रम करते हैं। उसमें हम जी गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय से एक विद्वान प्रोफेसर आते हैं और जी वो वहाँ यज्ञ वगैरह कराते हैं, फिर खाना अच्छा पीना अच्छा होता वेरी गुड। है। और हम इसमें फोर्टनाइट मंथ एंड में एक वीक मंथ लास्ट वीक में एक शुगर चेकअप कैंप भी लगाते हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं अच्छा उनका रेगुलर चेकअप हो जी जाए, वो भी कंसेशनल जी रेट पे लगाते हैं हम। जी तो ये कॉमन एक्टिविटीज हैं बाकी। तो सर जैसा जैसा हमने देखा और शुरू में वीडियो में बताया भी गया था कि आज की तारीख में आपके पास करीब 600 मेंबर्स हैं। जी, जी, तो ये मंथली गैदरिंग में 100 के करीब आ जाते हैं। मंथली गैदरिंग में 100 के करीब आ जाते हैं। इसमें सर लेडीज का पार्टिसिपेशन कितना रहता है? लेडीज का पार्टिसिपेशन काफी रहता है, क्योंकि जो गैदरिंग होती है उसमें यज्ञ के बाद कुछ भजन जी कीर्तन, कुछ गाने वाने, वो सब भी होता है जी एज ए कल्चर प्रोग्राम एक्टिविटी, जी और उसके बाद खाना होता है। तो जितने जितने आपके मेंबर्स हैं और अगर वो कपल हैं तो क्या हमेशा दोनों लोग साथ साथ आते हैं या जेंट्स ज्यादा आते हैं और लेडीज कभी कभी आती है स्पेशल एक्टिविटी पे? नहीं, लेडीज तो हमेशा नहीं आती, लेडीज नॉर्मली घर में बिजी रहती हैं। जो जी हमारे रेगुलर विजिटर्स हैं उसमें लेडीज नहीं है, उसमें मोस्टली जेंट्स अच्छा हैं। बाकी जो हमारे कल्चर प्रोग्राम है, जैसे गीता गीता पाठ है, जी सुंदरकांड है, या जी जो बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, इसमें सब हस्बैंड वाइफ साथ साथ आते हैं। जी तो सर ये तो हो गया आपका वीकली या डेली का प्रोग्राम हो गया, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जहां लोग आकर के अपना टाइम बिताते हैं और एक दूसरे के साथ क्योंकि कम्युनिकेशन रहता है तो जो उनका अकेलापन है, आइसोलेशन है, दैट इज टेकिन केयर ऑफ। नाउ व्हाट इज द अदर केयर दैट यू प्रोवाइड टू पीपल इन इमरजेंसी और अदरवाइज, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है, देखिए सारे लोग अकेले अकेले रहते हैं, लोगों को किसी जी को कभी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को दवाई नहीं है, तरह तरह की प्रॉब्लम लोगों को रहती है। उसमें हम सब एकजुट होके एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी कई सारे केस ऐसे हुए कि जैसे सीनियर सिटीजन की डेथ हुई, वहाँ डेथ जी के बाद कोई उनको उठाने वाला नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं, तो उसमें हमारी जी संस्था के लोग जाते हैं और उनको पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं पूरा। जी उसके बाद भी
वो लेडीज अकेली रह जाती हैं तो उनकी बहुत सारी बैंक की पोस्ट ऑफिस की वो सब समस्याएं होती हैं, उस समय उनको हेल्प करते हैं, साथ में जाते हैं उनके, उनका जो भी है रिजॉल्व करवाते हैं। फॉर्चुनेटली हमारी संस्था होने की वजह से जो बैंक के मैनेजर हैं वो सब भी हमारा रेस्पेक्ट करते हैं, हम अगर कोई बात कहते हैं तो उसको मानते हैं। तो इस तरह की जो तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम लोगों को मदद करते हैं जी। तो आपने एक पैथोलॉजी लैब की भी कुछ बात की थी। हाँ, पैथोलॉजी लैब की भी कहानी है, सॉरी फिजियोथेरेपी, आई एम सॉरी फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी लैब उसकी भी कहानी है जी। एक्चुअली हम हेल्पेज से जुड़े हुए हैं, हेल्पेज इंडिया से, और हमारी मीटिंग देहरादून में हुआ करती थी जी। तो वहाँ हमें मालूम पड़ा कि हेल्पेज ने कुछ फिजियोथेरेपी सेंटर्स लगवाए हैं जिसमें इक्विपमेंट देने की हेल्प उन्होंने की है। अच्छा, तो हम लोग भी इंस्पायर हुए, हमने कहा हम भी एक फिजियोथेरेपी सेंटर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि प्लेस आपके पास चाहिए, यहाँ हमारे पास कोई जगह थी नहीं जी। अप्रोच BHEL, और BHEL में हमारा थोड़ा पहचान होने की वजह से, और हमारे एक जो डायरेक्टर है BHEL के, एक्स डायरेक्टर, वो हमारे पैटर्न है जी, इन्फ्लुएंस करवा के हमने एक हॉल बनाने का BHEL से अप्रूव करवा लिया, कॉर्पोरेट सोशल CSR के अंदर। अच्छा, वो एक 20x40 का हॉल बना के उन्होंने हमको दिया। अब हॉल तो बन गया, उसके बाद हेल्पेज वाज नॉट एबल टू गिव अस इक्विपमेंट, उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था लेकिन वो दे नहीं पाए, मना कर दिया जी। हाँ, तो फिर हमने अपने लोगों से कंट्रीब्यूशन लिया, इकट्ठा किया पैसा और सारा उसका फर्निशिंग किया, हेल्पेज सेंटर का, उसका फिजियोथेरेपी सेंटर का, डॉक्टर्स एंगेज किए और इक्विपमेंट सारा खरीदा, फर्निशिंग किया, इक्विपमेंट सारा खरीदा। हमने 6 बेड लगाए उसमें, शुरू में 4 लगाए थे, बाद में 6 बेड है। एंड नाउ इट इज वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर इन दिस हरिद्वार एरिया। हमने वेल क्वालिफाइड डॉक्टर रखे, और जिससे डॉक्टर का भी इंटरेस्ट बना रहा है तो हमने डॉक्टर्स को भी पार्टनर बनाया एक तरह से, मतलब हम उनका जो पैसा देते थे वो जो हमारा कलेक्शन होता था उसका परसेंटेज बेसिस पे देते थे जी। तो ये भी ओपन टू पब्लिक है? ये भी ओपन टू पब्लिक है, बिल्कुल। ओके, तो बट इट इज सिंस यू आर सेइंग इट इज चैरिटेबल, सो इट मस्ट बी क्वाइट इकोनॉमिकल फॉर पीपल टू कम एंड गेट सर्विस देयर। वी आर चार्जिंग ओनली 100 रुपीस पर डे। कितना, सॉरी, 100 रुपीस पर डे, दैट इज वेरी लो, बिकॉज आप किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर को जाए तो कम से कम 500-600 रुपए एक सिटिंग के तो लगता है। यस, वी चार्ज ओनली 100 रुपीस, एंड इंस्ट्रक्शंस टू आवर डॉक्टर्स आर दैट बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, इफ एनी पेशेंट कैन बी हेल्प विद इन 3-4 डेज देन ही शुड नॉट एक्सटेंड हिज रिक्वायरमेंट। तो सर, सीनियर्स केयरिंग फॉर सीनियर इज ओके, बट यू आर एक्चुअली केयरिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द पब्लिक आल्सो। यस, इन ए वे वी आर हेल्पिंग द सोसाइटी, यू आर हेल्पिंग द सोसाइटी एट लार्ज, दैट्स कमेंडेबल, दैट्स कमेंडेबल। सर, ये फंडिंग कहां से आती है? ऐसा है, फंडिंग हम अपने मेंबर से भी लेते हैं और बाकी डोनेशंस भी लेते हैं, डोनेशन भी थोड़े बहुत मिलते हैं हमको, ज्यादा डोनेशन तो नहीं मिलते, बट वी आर ATG हमको मिला हुआ है। तो जो हमारे कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए तो हम पैसा लेते हैं लोगों से, सबसे पार्ट कंट्रीब्यूशन लेते हैं और पार्टली हम सब्सिडाइज करते हैं जी। जो हम एनुअल मेंबरशिप लेते हैं वो करीब 200 रुपीज पर मेंबर लेते हैं हम। 200 रुपीज पर मेंबर, पर मेंबर पर ईयर, पर एंड पर ईयर। ओके, पर ईयर, ओके, दैट इज वेरी नॉट वेरी वेरी यस नॉमिनल जी। तो उससे जो हमारा पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ है उसके इंटरेस्ट से हम बाकी प्रोग्राम को सब्सक्राइब करते हैं, और वैसे हम हर प्रोग्राम के लिए कंट्रीब्यूशन लेते हैं, बिना कंट्रीब्यूशन के हम कोई प्रोग्राम नहीं करते, सो दैट इज सेल्फ सस्टेनिंग ऑलमोस्ट। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे आपका संडे का प्रोग्राम, मंथ एंड की जो पार्टी होती है बर्थडे और एनिवर्सरी की, हाँ जी, उसके लिए एक मेंबर को लगभग कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है? उसमें हम एक्चुअली 3 प्रोग्राम करते हैं, एक तो हस्बैंड का बर्थडे, वाइफ का बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी जी। तो हम एनुअली करीब 2000 रुपीज पर कपल लेते हैं, पर कपल। हाँ, 2000 रुपीज एनुअली, साल में एक बार। अच्छा, और उसी फंड से फिर हम मैनेज करते हैं ये मंथली प्रोग्राम्स। तो अगर कोई वो 2000 रुपीज नहीं देगा तो उसकी बर्थडे आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे? नहीं, करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे हमारे मेंबर, इस तरह के कोई मेंबर नहीं है
जी खुशी खुशी ज्वाइन करते हैं लोग, लोगों को अच्छा लगता है। सर, हिंदुस्तानी आदमी ना हमेशा टेढ़ी बात पहले सोचता है नहीं, कि बिना पैसे मेरे दिए में बस काम हो जाए तो अच्छे अच्छा हैं, है। बहुत नहीं, अच्छे लोग हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक दैट इज अ वेरी नॉमिनल चार्ज, दैट इज अ वेरी नॉमिनल चार्ज। एंड अगर मेरे को तीन, अपने घर की, अपने हस्बैंड वाइफ की तीन सेलिब्रेशंस के लिए कुल 2,000 रुपया देना है और इतने लोगों के साथ मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ और अपनी खुशी बांट सकता हूँ, तो नथिंग लाइक इट, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया है। और 200 रुपये पर मंथ तो मेंबरशिप बहुत ही, पर ईयर 200 रुपये पर ईयर तो मेंबरशिप प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है। वेरी गुड, और क्या करते हैं सर? नहीं, इसमें हम लोगों को, वैसे हम हर विंटर में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ब्लैंकेट जी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों से पैसा कंट्रीब्यूट करवाते हैं सबसे। कोई जी 2 ब्लैंकेट का देता है, कोई 4 ब्लैंकेट का देता है, इस तरह से जी लगभग 100-150 ब्लैंकेट जितना भी पैसा इकट्ठा हो जाए वो जी गरीबों को बांटते हैं। वेरी गुड। और ये जो एक संस्था है यहाँ पर, आर्य सुगंध संस्थान, अच्छा वो हरिद्वार में नहीं है, हरिद्वार से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है। उसमें जी भी वो जो ऑर्फन बच्चे हैं या जो अपाहिज बच्चे हैं उनका पालन पोषण करते हैं, अच्छा तो वो संस्था एक हस्बैंड वाइफ चलाते हैं। उनका अपना जमीन भी अपनी है, सब उन्होंने बिल्डिंग अपने पैसे से बनाई है। जी उनको भी हेल्प करते रहते हैं, जब भी कोई हेल्थ रिक्वायरमेंट वहां से आता है, कभी वो ब्लैंकेट मांगते हैं या कभी मान लीजिए स्वेटर मांगते हैं बच्चों के लिए या जूते मांगते हैं, तो वो पैसे इकट्ठा करते हैं अपने यहाँ से और उनको प्रोवाइड करते हैं, ये हेल्प भी हम एक्सटेंड करते हैं। जी तो आपके जो मेन, आई वुड से मेन वर्कर्स हैं जो एक्चुअली होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करते हैं इन एक्टिविटीज में, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड अदर्स, आई मीन यू कैन से द एडमिन, सो कॉल्ड एडमिन, जी, कितने लोग होंगे? हमारे करीब 40 ट्रस्टी हैं हाँ जी और हमने उनको ट्रस्टी बना के ये उनको दिमाग में भरा कि भाई आप ट्रस्टी हैं, आप इस संस्था के मालिक हैं, जी तो इसलिए हम सबको मिलके करना है। तो जी दैट इज ए वेरी वेरी कोहेसिव टीम। हम कोई भी प्रोग्राम जी ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, सब लोग जी होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करते हैं और जी बहुत खुशी खुशी पार्टिसिपेट करते हैं। जी इनफैक्ट हमने 2 प्रोग्राम यहाँ आइसकॉन के साथ किए, एक तो आइसकॉन की एनुअल मीटिंग थी यहाँ रखी थी हमने, पीटर्स मीट, जी उसमें हाँ इतना जो जो लोग बाहर से आए थे, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे, लोग तो इतना खुश हुए कि उन्होंने कहा कि भाई आपने जो एग्जाम्पल सेट किया है, यू हैव नेवर सीन सच ए नाइस ऑर्गेनाइजेशन। फिर अभी पिछले दिनों हमने एक और मीट की थी जिसमें जी हमने कहा कि जो सीनियर केयर खाली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज ए जी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी उसमें भी काफी लोग बाहर से आए थे और बहुत जी ही लोगों ने अप्रिशिएट किया जो अरेंजमेंट मेड बाय अस, वाज हाईली अप्रिशिएटेड, और वो उसको ये मान के गए कि लोग दिस इज बेंचमार्क, इतना अच्छा अभी तक नहीं हुआ। तो सर, मेरे को एक चीज समझ में आती है जो भी मैं सुन पा रहा हूँ। एक तो ये कि आप लोग अपने खर्चे बहुत संभाल के करते होंगे, जी बिल्कुल, और चूंकि सब लोग वॉलेंटरीली काम कर रहे हैं तो आपके पास काम करने वालों के हाथों की कमी नहीं है। दैट्स दैट्स ट्रू, ट्रू, दैट इज व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ग्रोस। सर, जब हम किसी से बात करते हैं कि भाई ऐसा कुछ करेंगे, या मैंने कई बार कुछ एनजीओ वगैरह ज्वाइन करने का सोचा, जी मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं वहां थोड़ा जाता हूँ, बात करता हूँ, और ये मेरे कई सारे अदर कलीग्स का भी ये रिएक्शन है कि थोड़ी देर बात करने के बाद ऐसा लगता है कि ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप इसको कहते रहें कि ये चैरिटेबल है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहां अल्टीमेटली ये कमर्शियल एंगल बहुत ज्यादा घुसा रहता है। तो हाउ डू यू प्रोटेक्ट दैट यू डोंट बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज कमर्शियली इंक्लाइंड? ऐसा है ये काम, एक तो हम अपने मेंबर्स को, सबको हमारे मेंबर्स जो है दे वेरी वेल अंडरस्टैंड इट कि दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जी दे हैव नो इंटेंशन ऑफ टेकिंग एनी इवन सिंगल पेनी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, जी रादर देयर बेंट ऑफ माइंड इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल पॉसिबल वेज। जी यहाँ तक कि जो हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है उसमें डॉक्टर्स के अलावा एक मेंबर हमारा बैठता है हर दिन वहां पर, अच्छा जो पूरा उसका कोऑर्डिनेशन देखता है, जो पेशेंट से पहले वो इंटरेक्ट करता है, उसे कंट्रीब्यूशन है वो लेता है, उसको रजिस्टर करता है और फिर डॉक्टर को जी रिफर करता है।
ये सब भी वॉलंटरी सर्विस है। जी तो हमारे यहाँ जो वॉलंटरी लोगों के दिमाग में है वो बहुत अच्छा है, और इस तरह का कहीं कोई फीलिंग किसी के दिमाग में नहीं है। बल्कि हम जी लोगों को मेंबरशिप के लिए भी ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते किसी को, लोग हमारी एक्टिविटीज देख के अपने आप हमसे जुड़ते हैं, अच्छा, हम किसी को परसू नहीं करते। तो सर एक सवाल है, थोड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन जब से आपने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, उस टाइम तो आपने एज ए मेंबर ज्वाइन किया होगा, जी फिर इन्होंने आपको अध्यक्ष बना दिया या जो भी डेजिग्नेशन होगा, उसके बाद आपने इसको रजिस्टर कराया, जो भी कुछ किया, सब एक्टिविटी होती रही, आप आज भी अध्यक्ष हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, मैं आज भी अध्यक्ष हूँ। तो सर ये आपको ही अध्यक्ष क्यों बनाए रहते हैं? ऐसा है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बाकी जी यह है कि सब लोगों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लेकिन लोग मानते नहीं है। वो कहते हैं नहीं साहब, आप ही मैनेज कीजिए इसको। जी और बाकी जो पदाधिकारी होंगे, जो अपना अलग अलग काम देखते होंगे, वो रोटेट होते हैं या वो सेम, वो भी सेम ही चल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो जनरल सेक्रेटरी है वो जी बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है। वो भी हम इलेक्शन तो होता है, हर 3 साल में इलेक्शन जी होता है, अच्छा, लेकिन वो हर बार उसी को लोग इलेक्ट बना करते देते हैं। हैं। ऐसे जी ट्रेजरार है, ट्रेजरार भी वही रहता जी तो नॉर्मली कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ऐसा सच नहीं हुआ, वैसे कि वैसे चलता तो है। क्योंकि चलता है। एक दूसरा उसका फैक्टर ये भी है कि ज्यादातर लोग कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब काम करने वाला काम जो है वो वैसे हम लोग जिम्मेदारी करना वाला काम नहीं चाहते करना हैं। चाहता। जी तो जिन्होंने ये सब जगह ये जिम्मेदारी प्रॉब्लम ली आती है, ये प्रॉब्लम तो खैर हर जगह आती है, अगर आपने इनिशिएटिव ले लिया तो ठीक है, आप ही संभालो। नहीं, हाँ बट दिस मींस कि इन जनरल ऑल द मेंबर्स आर वेरी हैप्पी विद द ऑफिस वेयरर्स, द वे दे आर वर्किंग, एंड जिस तरह से भी काम चल रहा है, लोग उनसे काफी खुश या संतुष्ट हैं, और बाहर से भी अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी तो सर जो जो चूंकि आप हरिद्वार में हैं, तो हरिद्वार के जो सो कॉल्ड सिटी एलीट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं, अब बड़े शहर में तो हम पेज 3 बोलते हैं, तो लेकिन अब हरिद्वार के एलीट सोसाइटी में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी लोगों में अवेयरनेस है, या क्या वो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क रखना चाहते हैं या हेल्प करते हैं या क्या? ऐसा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज एंजॉइंग ए वेरी गुड इमेज। मतलब हर ओके आदमी जानता है सीनियर सिटीजन फोरम के बारे में कि किस जी तरह चलता है, क्या करते हैं हम, और जी अप्रिसिएशन भी है। दूसरा ये है कि हम अपनी पब्लिसिटी के लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट इस तरह का नहीं करते। जी हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसी से लोग इम्प्रेस होते हैं, जी और बस उसमें बाकी लोगों को जितना अच्छा लगता है जुड़ते हैं। अच्छा सर, आप कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की बात कर रहे थे अभी पीछे, आपने कहा कि आपने एक मीटिंग बुलाई थी, बाहर से भी लोग आए थे, क्या हुआ था? तो ये थोड़ा कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बताएंगे, किस टाइप की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, या कोई एक आध एग्जाम्पल? हाँ, मैं बता रहा हूँ। ऐसा है, जो पिछले साल अक्टूबर में हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ, जी जिसमें कहा था सीनियर केयर इज ए कलेक्टिव नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टॉपिक। क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सीनियर्स की केयर करने का काम सिर्फ गवर्नमेंट का है, जी जो पब्लिक है उसका आपस में कोई काम नहीं है। वो सब गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट को गाली देना इसे चलता रहता जी है। जी तो हम लोगों ने इसको प्रोपेगेट करने की कोशिश की कि सीनियर केयर जो है वो सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली द गवर्नमेंट। जी और हमने उसकी एग्जाम्पल्स यहाँ सेट करके दिखाई ऑलरेडी। हम जी लोगों को जो हेल्प करने का है, फिजियोथेरेपी सेंटर हमारा है, एक डे सेंटर है, और बाकी लोगों की जी किसी भी तरह की हेल्प है वो हम करते हैं। जी तो और भी जो और जैसे एक दो सेंटर हम और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो लाइफ लॉन्ग जी लर्निंग सेंटर। क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर माइंड एक्टिव रहे तो जी जो सीनियर सिटीजन्स की जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जी उनसे आदमी बच सकता है अगर माइंड एक्टिव रहे। हाँ, आपने बोला लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेंटर? लाइफ जी ओके, हाँ बढ़ाइए, लॉन्ग बताइए। लर्निंग सेंटर का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर माइंड एक्टिव रहे तो जी आदमी को जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जो बुढ़ापे में प्रॉब्लम हो जाते हैं, किसी को डिमेंशिया हो जाता है, किसी को अल्जाइमर हो जी जाता है, इन जी सबसे बचा जा सकता है। हाँ
लाइफ लॉन्ग लर्निंग में इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन लर्न एनीथिंग, यू कैन लर्न सम लैंग्वेज, यू कैन लर्न म्यूजिक, यू कैन लर्न डांस, यू कैन लर्न कुकिंग, एनीथिंग कैन बी लर्न. जी बट इफ यू आर ब्रेन इज एक्टिव देन यू कैन एस्केप फ्रॉम दिस जेनेटिक प्रॉब्लम्स. सो जो जो मेंबर्स जो सिखा सकते होंगे वो सिखाएंगे और जो सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे, यही कॉन्सेप्ट हुआ? बिल्कुल बिल्कुल. तो सर ये कब से रोल आउट करने का इरादा है या कुछ हद तक शुरू हो गया है? नहीं अभी शुरू नहीं हुआ है. एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर सम प्लेस. अभी हमें बीजल ने एश्योर किया है एक एक जगह के लिए, उसका प्रपोजल भी हमारा गया हुआ है बीजल में, वो अप्रूव हो जाएगा तो हमें जगह मिल जाएगी. जी जगह मिल जाएगी तो हम वहाँ फिर सेंटर शुरू करेंगे. जी एक और आप बता रहे थे, आप दो तरीके के ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं. एक आप बता रहे थे कि हाउ टू ट्रेन पीपल इन केयरिंग फॉर सीनियर्स, हाउ टू प्रोवाइड केयर टू सीनियर्स. एक्चुअली ऐसा है सीनियर सिटीजन की केयर जो है वो एक स्पेशलाइज फील्ड है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन ट्रेन केयर गिवर्स उनको नहीं मिल पाते. जी उनकी काफी कमी है. उन्होंने सोचा कि एक केयर गिवर्स का ट्रेनिंग सेंटर भी डेवलप किया जाए जिसमें लोगों को जो उसमें क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, इवन एट क्लास पास जो है वो सब भी है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है उन सबके लिए उनको ट्रेन किया जाए. दैट इज द कॉन्सेप्ट. किस टाइप के रिक्वायरमेंट, एक दो जरा एग्जांपल के लिए बताएंगे? नहीं जैसे सीनियर सिटीजन की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है. हाँ सीनियर सिटीजन जो है अपनी बात सुनाना ज्यादा चाहते हैं तो उसकी क्वेश्चन होनी चाहिए कि वो सुन सके. अच्छा सो आप ओके तो वो तो जो आपके मेंबर्स हैं वो तो प्रैक्टिकली सबको ही वो कोर्स अटेंड करने लायक हो जाएगा स्थिति? नहीं देखिए ऐसा है कि काफी लोग जो फाइनेंशियली उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते वही केयर गिवर को रखेंगे तो उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा. नहीं नहीं अच्छा आप ये बात कर रहे हैं कि आप केयर गिवर को रखें. ओके ठीक है समझ गया आप समझ गया. ओके सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जिनको लोग अपने घर में रख सकें और वो उनकी केयर करें क्योंकि वो अकेले हैं तो इसलिए उनके साथ एक तरीके से एक असिस्टेंट मिल गया उनको जो घर उनका देखभाल करेगा. ओके ओके सो उन लोगों को आप ट्रेन करेंगे. तो अगर ट्रेन करेंगे तो क्या इनको प्लेस करने की भी जिम्मेदारी लेने का प्रोग्राम है? ऐसा है प्लेसमेंट में हेल्प तो करनी पड़ेगी उनको, बिना उसके तो नहीं हो पाएगा, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी. नहीं सर मेरा सवाल दूसरा है. मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ. मेरी मदर बेड रिडन थी और हमें जरूरत पड़ी कि उनके लिए हमको एक अटेंडेंट चाहिए 24 घंटे के हिसाब से. तो एक तो ये है कि भाई अच्छा वो देखो वो फला फला एक लेडी है वो करती है तो आप उससे बात कर लीजिए, बट समहाउ वो मेरा मन नहीं माना. तो मैं आई वेंट टू प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जी जी बड़े शहरों में आजकल काफी है, आई डोंट नो हरिद्वार में कितना है. यहाँ पर तो अब आजकल अब तो प्रैक्टिकली जितने 5-स्टार हॉस्पिटल्स हैं उन सबने होम केयर शुरू कर दिया है. तो लेकिन उसमें मुझको ये लगता है कि भाई क्योंकि मेरे को नहीं मालूम वो बंदा कितना जो भी आएगा हेल्प करने के लिए वो कितनी हेल्प कर सकता है, ट्रेंड है नहीं है क्या है. बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मेरे को भरोसा रहता है. जी क्या वो भरोसा आप प्रोवाइड करेंगे? नहीं बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, भरोसा प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. जी तो जिन लोगों को तो ट्रेन करेंगे उनका पहले तो आप ये कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में मैं अगर एक सीनियर सिटीजन हूँ मुझे एक हेल्प चाहिए तो मैं अगर आपको अप्रोच करूँ तो आप मुझे अपने यहाँ से ट्रेंड एक आदमी देंगे. बिल्कुल. और उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे कि ये आदमी मेरे को ठीक करेगा और अगर मेरे को पसंद नहीं आएगा तो आप बदलेंगे. बिल्कुल बिल्कुल जी. ओके इंटरेस्टिंग. So, that's very good. तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जगह मिलने के बाद शुरू होगा ये आप कह रहे हैं? हाँ जगह मिलेगी तभी शुरू हो पाएगा, अभी तो नहीं कर पाएंगे हम. जी और सर आपने कुछ बात की थी बीच में कि कहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम बात करते हैं, हेल्प एज से बात किया, इससे बात किया, उससे बात किया. तो ये आपके किस टाइप के अफिलियेशन हैं और ऑर्गेनाइजेशन से एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से? ऐसा है कैसे करते हैं? एक तो उत्तराखंड की फेडरेशन है. जी उत्तराखंड में करीब 20 संस्थाएं हैं.
जो सीनियर सिटीजन के लिए काम करती हैं, उनकी कंडीशन है सेंट्रल बॉडी, इसको हेल्प जिसको एस्टेब्लिश करने में हेल्पेज ने हमें हेल्प किया था। अच्छा, लोगों इकट्ठा किया, संस्था बनवाई, फेडरेशन, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया। एक तो उससे एफिलेटेड है, बल्कि मैं उसका 2 साल प्रेसिडेंट भी रहा हूँ फेडरेशन का भी। एक हम ऑल इंडिया लेवल की बॉडी है, ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन। ओके, ये बॉम्बे बेस्ड है, इसमें जो मेंबरशिप है करीब 20 लाख मेंबर हैं। जो छोटी छोटी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, हाँ लेवल की है, तो हम इससे भी जुड़े हुए हैं। ये जो है गवर्नमेंट से जो भी इशू टेकअप करने हैं, एडवोकेसी फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये काम ये संस्था करती है। एडवोकेसी सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट से डिस्कस करना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये काम ये लोग करते हैं। अभी आज की डेट में जो सीनियर सिटीजन्स पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स, हाँ जी, ये अंडर इशू है, मतलब डॉक्यूमेंट बन गया है, अभी अप्रूवल होना बाकी है। जी, ऐसे ही एक एक्ट है पुराना, 2007 में इशू हुआ था, वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। ये एक्ट भी बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ये भी अंडर रिविजन है और अभी गवर्नमेंट के अप्रूवल में पेंडिंग है। अभी राज्यसभा से अप्रूव होना है, ये इम्प्लीमेंट होगा। तो ये सब जो एडवोकेसी वाला काम है कि इस तरह की हेल्प गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए, ये सब भी हम लोग। जी, आप कुछ, आपकी कुछ ब्रांचेस भी है जी? कुछ ब्रांचेस हैं दूसरे शहर में या कुछ खोलने का प्लान है? नहीं, ब्रांचेस हमारे ऐसे तो नहीं है, बाकी जो एक दूसरी संस्था है शहजार होम्स, मैंने बताया था आपको। जी हाँ, शहजार होम, इनके टारगेट्स हैं, इन्होंने तो ये सोचा हुआ है कि अगले 5 साल में हम एटलीस्ट 100 शहजार होम्स पूरे देश में खोलेंगे। अच्छा, अभी आज की डेट में 3 है, एक पुणे में है, हरिद्वार में है, एक भुवनेश्वर में। लेकिन इनका टारगेट है कि हम और जो भी संस्थाएं डे सेंटर खोलना चाहेंगी शहजार होम्स टाइप के, वो इनके बैनर में खोलेंगे और उनको हेल्प करेंगे हम। जी, तो अगर किसी को जुड़ना है आपके साथ और हम चाहते हैं कि भाई हम अपने यहाँ इस टाइप की कुछ एक्टिविटी करें या जो आपने किया है वैसी एक्टिविटी कुछ करना चाहें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको कैसे अप्रोच करेंगे? नहीं, आप हमें बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे, हेल्प करेंगे, क्या बात है, वेलकम। नहीं, तो उसके लिए आपका कुछ, आपको क्या मेल लिखना होगा, क्या करना होगा, कुछ एड्रेस वगैरह, मेल आईडी? नहीं, हमें मेल कर सकते हैं, आप टेलीफोन कर सकते हैं, मेल आईडी भी मैं बता दूंगा। हमारा वैसे एक वेबसाइट भी है, वेबसाइट हमारी खुल के देख सकते हैं, सीनियर सिटीजन फोरम हरिद्वार.org वेबसाइट है, वो भी खुल के देख सकते हैं और हमें फोन कर सकते हैं, मेल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी, विल डेफिनेटली हेल्प, जो भी करना चाहेंगे। जी, तो अगर डे सेंटर बनाना चाहते हैं उसमें भी हेल्प करेंगे, फिजियोथेरेपी सेंटर बनाना चाहते हैं जी, तो अभी हम गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सर, हमने शुरू किया था कि भाई लोगों का आइसोलेशन की प्रॉब्लम ठीक करें जी, और वहां से करते करते अब आप गवर्नमेंट की पॉलिसी तक पहुंच गए, तो ऐसा क्या है जो सीनियर सिटीजंस के लिए है लेकिन आप नहीं करते? सीनियर सिटीजंस के लिए है और हम नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि एक तो पावर्टी बहुत बड़ा इशू है, पावर्टी में हम कुछ नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत हेल्प कर पाते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर पाते। दूसरा इशू है कि घरों में जो आपस में झगड़े होते हैं जी, बच्चों के और पेरेंट्स के, उसमें हम बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि जहां हेल्प करना भी चाहते हैं वहां नॉर्मली पेरेंट्स विड्रॉ कर लेते हैं कि नहीं हम तो ठीक है, दे आर नॉट प्रिपेयर टू कंप्लेन अगेंस्ट देयर वार्ड्स। जी, ये भी एक समस्या है। तो इस तरह की समस्याएं यहाँ हमारे शिवाजी नगर में भी है, कई है। कुछ काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं हम, कहीं कहीं सक्सेस हो जाते हैं, कहीं कहीं नहीं हो पाते। जी, तो काउंसलिंग करते हैं, मेंटरिंग करते हैं? हाँ, काउंसलिंग करते हैं, करते हैं काउंसलिंग। तो किस टाइप की काउंसलिंग, की भाई घर में झगड़ा है तो उसको कैसे सुधारो, या आप परेशान हो तो कैसे, डिप्रेशन में हैं तो कैसा डिप्रेशन दूर करेंगे, इस टाइप का? डिप्रेशन वालों को तो काफी लोगों को मैंने, हम लोगों ने मदद की है। नॉर्मली अगर किसी के यहाँ भी कोई हादसा हो जाता है तो आदमी डिप्रेशन में आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। जी, कई केसेस ऐसे हुए कि जिनमें यंग डेथ्स हो गई,
जी उनको कंसोल किया, उनको समझाया कि देखिए चिंता करने से कुछ नहीं होता और ये सब जी हमें आगे क्या करना है, वी हैव टू थिंक फॉर दैट। लाइफ हैज टू मूव ऑन या जी। तो इस तरह सर, का जो जो आपके एक्टिव मेंबर्स हैं उसमें कुछ लेडीज भी हैं, हाँ लेडीज हैं बिल्कुल है। वो भी उतने ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा होगा जहां लेडीज ही कर सकती हैं, किसी की काउंसलिंग करनी है, कुछ करना है तो। और दूसरा, जो सीनियर लेडीज की समस्याएं हैं वो तो वही समझ पाएंगी, दूसरे तो नहीं समझ पाएंगे। आप लोग शायद उतना ना समझ पाए, देखिए आपको नॉर्मली अपनी, हम लोगों को तो अपनी बीवियों की समझ में आ जाए वही बहुत है। काउंसलिंग के लिए जब भी हम जाते हैं तो हस्बैंड जी वाइफ दोनों जाते हैं, अकेले ही नहीं जाते, ओके, इंटरेस्टिंग। दोनों जाते हैं। तो आपकी श्रीमती जी, अगर आप मान लीजिए एक हफ्ते में, आप एक हफ्ते में एवरेज कितना टाइम लगाते हैं संस्था के लिए? ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा नॉर्मली काफी बिजी रहता हूँ मैं, काफी बिजी शेड्यूल रहता है। कुछ हमारी जो संस्था की काम भी रहते हैं, कुछ हमारी गूगल मीट वगैरह रहती है, कुछ हमारी जी क्योंकि नेशनल ये आइसकॉन से जुड़े हुए हैं उनकी भी कुछ गूगल मीट वगैरह रहती है, तो उस जी समय काफी एक्टिव रहते हैं वैसे। हाँ दिन में एवरेज 2-3 घंटा। दो तीन घंटे तो है ही है। तो मैडम का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है दिन में एवरेज? मैडम का रेगुलर इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन जो हमें सारा सपोर्ट करना है ये भी उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बहुत बड़ा काम है हमारे जैसे लोगों को जी सपोर्ट करना। जी मेरा ये मानना है कि जी यही इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी सर, आपने मुझे ये बताया था कि योर बिलीफ इज दैट ग्रेट गॉड हैज चोजन अस टू अकम्प्लिश, यस जरा यस बताएंगे? देखिए ऐसा है कि कभी कभी ये होता है कि आप लोगों की हेल्प करते हैं तो आपके दिमाग में एक घमंड आ जाता है, जी लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ये क्लैरिटी रखें कि ये सब काम भगवान का है और हम सिर्फ माध्यम के रूप में उसके जी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये काम कर रहे हैं, तो आपकी जी वो घमंड वाली बात नहीं रहती। तो ये सही बहुत बात। बड़ी समस्या है कि अगर आपको घमंड आ गया ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जी तो हम ये मानते हैं कि हम जो भी करते हैं ये सब भगवान का काम है जी और भगवान ने हमें उसके लिए चूज किया है कि हम उसका ये काम करें। जी और ये सौभाग्य है कि भगवान ने हमको ये मौका दिया कि हम लोगों की सेवा कर बिल्कुल सके। बिल्कुल ये सौभाग्य है, हम तो इसको सौभाग्य मानते हैं कि जी भगवान ने हमें ये मौका दिया हमें। इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ आपकी, ये बहुत। एक आप हेल्पलाइन की कुछ बात कर रहे थे। हेल्पलाइन हमारी है, टेलीफोन नंबर है हमारे, तो उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग फोन कर सकते हैं हमें, करते भी हैं काफी और हम उनको हेल्प जी करते हैं। जी तो गुड़गांव में भी आप कुछ बता रहे थे हैं। नहीं गुड़गांव में हमारा डायरेक्टली नहीं है, लेकिन गुड़गांव में एक संस्था है समर्थ, समर्थ अच्छा एक संस्था है जो भी जी सीनियर सिटीजन के लिए काम करते हैं, उसमें जो हेल्प तो करते ही हैं, बाकी उनके कुछ वो इक्विपमेंट और सीनियर सिटीजन के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, जैसे जो जी उनकी असिस्टेड लिविंग के लिए जो चीजें चाहिए हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जी या कुछ आपके और इक्विपमेंट है, व्हील चेयर वगैरह हैं, जी जो भी है वो जी सब भी उनका बिजनेस भी वो करते हैं, वो सब कंसल्टेशन डे टू अच्छा डे प्रोवाइड करते जी हैं। ये है, उनसे हम जुड़े हुए हैं उनसे भी, और हेल्पलाइन नंबर हमने उनकी हेल्प से, उन्होंने कहा कि भाई हमको काफी हेल्पलाइन से मैसेज आते हैं, लोग रिक्वायरमेंट आते हैं तो आपके लिए भी हेल्पलाइन शुरू कर देते हैं, हमने कर दीजिए, तो हेल्पलाइन उन्होंने शुरू की। अच्छा वैसे तो पहले भी हम हेल्प करते थे लेकिन उन्होंने शुरू की तो वो भी है, दोनों अच्छा तो कोई कॉल करेगा तो उस नंबर पे कॉल करेगा, वो आपको ट्रांसफर हो जाएगी, उसके बाद आप अकॉर्डिंगली उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हेल्पलाइन नंबर हो गया वो एक। वैसे हमारे पास ज्यादातर जो कॉल आती है वो ओल्ड एज होम के लिए आती है, जी ओल्ड एज होम बहुत लोगों को चाहिए, लेकिन हरिद्वार में इस तरह के ओल्ड एज होम नहीं है जो असिस्टेड लिविंग वाले ओल्ड एज होम्स के पैसा दें और रहें, कि जी यहाँ कोई है नहीं, जी हम उसके लिए जी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी कि किसी तरह से हमें कुछ जगह वगैरह मिल जाए तो बनाए हम, लेकिन अभी जी आगे बढ़ नहीं पाए। सर, वो देखिए क्या है, मैं जो मुझे समझ में आता है, और आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि
इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ बिगर प्लान फर्स्ट, अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स में प्लान्स बनाते जाएं और उनको एग्जीक्यूट करते जाएं, तो शायद हम लोग सेवा भी करते रहेंगे और आगे बढ़ते भी रहेंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम पहले बैठ करके एक मेगा प्लान बनाते हैं और फिर बाद में पता चलता है अब ये करेगा कौन। नहीं, मेगा प्लान तो हम लोगों ने कोई बनाया नहीं, हमने तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया जी। छोटे छोटे जो हम कर सकते थे पहले वो किए जी, बाकी के लिए जो बड़े प्लान हैं उनके लिए ट्राई कर रहे हैं जी। मिल जाएगी तो हो जाएगा जी, हमारे एफर्ट में कमी नहीं है, कोशिश में लगे रहते हैं हम, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आप कुछ सोच के चले, पॉजिटिव सोच के चले कि ऐसा करना है, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है, मिल जाती है। जी जी, आप एक मैगजीन भी निकालते हैं, एनुअल मैगजीन कुछ निकालते हैं? निकालते हैं, पिछले 8 साल से निकाल रहे हैं हम, एनुअल मैगजीन है। आपके पास अगर है तो जरा, हाँ है तो दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये है, दिस इज द एनुअल मैगजीन। तो सर इसमें इसमें क्या रहता है नॉर्मली? इसमें तरह तरह के आर्टिकल्स रहते हैं, आर्टिकल भी रहते हैं, पोएम्स भी रहती हैं। ये मोस्टली हमारे मेंबर्स हैं और हमारे मेंबर्स सब वेल एजुकेटेड हैं, बहुत से टीचर्स भी रहे हैं, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। कुछ साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स भी रहते हैं, कुछ जो है दुनिया में क्या चल रहा है स्पेशली वेलफेयर से संबंधित, वो भी आर्टिकल्स रहते हैं। तो इस तरह से ये कंसोलिडेट मैगजीन हमारी रहती है। तो ये मैं देख रहा हूँ 7वां अंक है, तो इसका मतलब 7 साल से तो चली रही है। बिल्कुल बिल्कुल चल रही है जी जी। अभी बल्कि जो 8th इशू है उसकी तैयारी पूरी हो गई है, प्रेस में जा चुकी है जी। तो सर एक बार फिर से वापस आता हूँ, एक आपने ओल्ड एज हम तो कहा कि आप नहीं कर पाए, लेकिन और ऐसा क्या है जो आपकी विश लिस्ट में है लेकिन अभी तक आप नहीं कर पाए हैं और आप अगले 2 साल में मौका लगा दो करेंगे? देखिए मैंने 3 चीजें बताई हैं, एक तो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेंटर है जी, एक इंस्टीट्यूट फॉर केयर गिवर्स है जी, और एक हमारा ओल्ड एज होम का है। ओल्ड एज होम में अभी हम कोशिश कर रहे हैं, एक हमारे आईएसकॉन के मित्र हैं, ही इज इन विजयवाड़ा, उन्होंने यहाँ एक काफी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है हरिद्वार में। वैसे तो उनका नाम तो ओल्ड एज होम दिया है उन्होंने, लेकिन अभी वो एज सब्सिडाइज होटल की तरह यूज करते हैं, मतलब उसके रूम्स जो है काफी अच्छे वेल फर्निश्ड रूम्स हैं, 4,000 रुपीज पर डे पे इंक्लूडिंग फूड देते हैं। तो हमने उनको प्रपोज किया है कि भाई आप इसको बहुत पार्शियल यूज हो रहा है, आप इसको ओल्ड एज होम में कन्वर्ट करिए, इसके रूल्स और जैसे भी आप रखना चाहते हैं लोगों को रूल्स बनाए, इसके लोग रहेंगे आके यहाँ आराम से, क्योंकि पूरे देश में हरिद्वार में रहने वाले रहने की इच्छा रखने वाले लोग बहुत हैं जो हरिद्वार में रहने की इच्छा रखते हैं, और यहाँ उस तरह से एकोमोडेशन है नहीं जी। तो उसी डायरेक्शन हरिद्वार में, हरिद्वार में मेडिकल सर्विसेज की क्या सिचुएशन है? मेडिकल सर्विसेज सब अवेलेबल हैं, लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी वाला काम है वो यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन तो वो फिर उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? सुपर स्पेशलिटी के लिए एक तो एम्स है ऋषिकेश में, अच्छा ऋषिकेश में एम्स है, देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल है जी, यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल है, मेट्रो में हार्ट का काम तो होता है लेकिन और बहुत ज्यादा काम नहीं होते। अच्छा, ऐसे एक जॉली ग्रांट में हॉस्पिटल है जी, वहाँ भी स्पेशली हॉस्पिटल है। तो आपका कुछ एम्बुलेंस सर्विस वगैरह चलाने का भी कुछ प्रोग्राम है या नहीं? नहीं अभी हमने सोचा नहीं, लेकिन एम्बुलेंस का भी हम करेंगे, अभी सोचा नहीं हमने जी, वी कैन थिंक अबाउट इट। सर एक चीज मुझे लगता है कहीं मिसिंग है इस पूरे में, हो सकता है कि आप ना बता पाए हो क्योंकि इतना बड़ा आयाम है, हो सकता है कुछ रह गया हो। वो लोग जो जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं, क्या आप उनको अपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं या देने का प्लान करते हैं? अभी हमने इस डायरेक्शन में कुछ काम किया नहीं है, हालांकि हम करना जरूर चाहते हैं, लेकिन किया नहीं है। अच्छा, क्योंकि कई बार सर ऐसा होता है कि अब मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं, मैं मेरी फाइनेंशियल स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, कम से कम मुझे अगर महीने का 10-15 हज़ार रुपए कुछ अगर आने लगे तो मेरे लिए आसानी हो जाए, तो उसके लिए कहीं कुछ ऐसा ऑक्यूपेशन
आपके चूंकि इतने लोग, अब आपके यहाँ मेंबर्स 600 मेंबर्स हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स या इस टाइप की कुछ पोजीशन मिल जाती होंगी, कहीं पर है कि भाई चलो अकाउंट्स का आप काम देख लीजिए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसका अगर स्किल है तो यूज हो सकती है। नहीं, ऐसा है, आई मस्ट कन्फेस कि अभी इस डायरेक्शन में हम कोई बहुत सब्सटेंशियल काम नहीं कर पाए, लेकिन जी करना चाहते हैं, करना जरूर चाहते हैं। जी क्योंकि सर आपसे बात करने के बाद मैंने अपने आस पड़ोस में दो एक लोगों से बात की थी जो इस दिशा में कुछ काम करना चाहते हैं आइसोलेशन वाली एरिया में खासतौर से, जी। तो उन्होंने तो वहां पर ये बात हो रही थी क्या क्या करें, तो वहां पर एक ये पॉइंट भी आया था कि जो लोग फाइनेंशियली ऐसा ना सर कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में या पब्लिक सेक्टर जॉब से रिटायर हुए थे उनको पेंशन मिलती है, जी लेकिन जो प्राइवेट जॉब से रिटायर हुए थे उनमें से बहुतों को पेंशन नहीं मिलती। नहीं अब मिलती उसमें बिल्कुल। से ये है कि भाई अगर आपकी सेविंग इतनी है कि वो आपको अच्छे से सपोर्ट करती रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि नहीं मुझे कुछ मंथली कुछ अगर आता रहे तो आसानी हो जाती है, तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसके लिए कुछ व्यवस्था हो सके, क्योंकि देखिए आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर्स को काम करवाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी। मुझे एज अ सीनियर नहीं मालूम कि मुझे कहाँ काम मिलेगा। That's मैंने right. देखा है कि नॉर्मली जो लोग अकाउंट्स जानते हैं कहीं पर किसी कंपनी में या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते थे या किसी सीए के पास काम करते थे, उन लोगों को काम बहुत आसानी से मिल जाता है बिल्कुल, यू आर कि राइट। भाई आप किसी कोई शॉप है आप उसके चले गए उसके हफ्ते में एक दिन उसके लेजर लिख दिया या कुछ इस टाइप के काम है जो लोग कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं और व्हाइट कॉलर जॉब है और कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अपने मतलब मुझे जो लगता है एक इनपुट है आपके लिए कि जितने आपके मेंबर्स हैं अगर वो ऐसा कुछ एक डायरेक्टरी टाइप बनाने की कोशिश करें कि भाई इस टाइप के मैन पावर की जरूरत है हमारी जान पहचान में जी और कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो ये कर सकते हैं, तो अपने मेंबर्स के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं, अपने मेंबर्स के लिए, आई डोंट वांट कि भाई प्लेसमेंट एजेंसी खोली जाए, लेकिन अपने मेंबर हैं जिनको कहते वो कहता है भाई मुझको कुछ पैसा चाहिए तो चलो इस तरह से कर लो, क्योंकि अदरवाइज तो कहाँ करेंगे। नहीं, ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, हम इस पे विचार जी विमर्श करेंगे और कुछ शुरू जी करेंगे करेंगे इसके बारे में कुछ। सर इतने सारे काम आपने मुझे बता दिए, मुझे नहीं समझ में आता कौन सा पूछूं, लेकिन कुछ अंतिम संदेश आपकी तरफ से हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए कि भाई क्या करें कैसे करें सो दैट सेवा भी हो और कर भी सकें और रिसोर्सेज की शुरू शुरू में बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न है, ये बिना रिसोर्स के रिसोर्सेज तो इकट्ठे करने पड़ेंगे, आपको कहीं से भी जी जहां से मिलते हैं कोई बात नहीं, रिसोर्स के कुछ नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, लेकिन किस तरीके से कोई शुरू करे या क्या दिमाग में भाव रहे और क्या कितना आसान या कितना मुश्किल है। नहीं देखिए, इसमें एक तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी के अंडर सारी कंपनीज को कुछ ना कुछ रस्ते का काम करना होता है, हेल्प करना होता है जी जी सोसाइटी के लिए। तो जी उसमें अगर आपके मेंबर्स इस तरह के हैं जो रिसोर्सफुल हैं, कुछ कंपनीज को जानते हैं जहाँ से जी सीएसआर में कुछ पैसा हेल्प मिल सकती है, जी इस तरह की एक्टिविटी में आपको हेल्प हो सकती है। जैसे हमारे केस में जो हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है उसकी जी बिल्डिंग टीचर ने बना के दी हमको, जी तो इस तरह से कहीं ना कहीं से सपोर्ट तो चाहिए, बिना सपोर्ट के तो मुश्किल है। और यह है कि जो कंपनीज हैं आजकल सीएसआर में काफी पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट प्रॉपरली बना हुआ है कि आप क्या करना चाहते हैं जी तो आपको हेल्प मिल जाएगी कंपनीज से। तो सर मेरे हिसाब से दो चीजें जरूरी हैं, एक तो ये है कि आप मेटिकुलसली अपना प्लान बनाएं, बिल्कुल आपकी आपके यहाँ फुल ट्रांसपेरेंसी हो जी बिल्कुल। सो दैट यू कैन गो, एंड नॉर्मली क्या है कि अगर 5-7 अच्छे प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं तो दे जी विल बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेरी इजीली, बिल्कुल बिल्कुल। और तो उसके बाद ये हो सकता है और इतना मुश्किल नहीं है, लोग सामने हैं। जो लोग नहीं जानते उनकी सूचना के लिए बता दूं कि आज की तारीख में हर कॉरपोरेट को 2% ऑफ द रेवेन्यू
स्पेंड करना होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जिसको CSR कहा जाता है, और वो केवल उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कर सकते हैं जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं और जिनके पास प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन को ये मिले गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ ये खर्चा आपका CSR में काउंट होगा। बिकॉज सारी ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है अपनी बैलेंस शीट में कि ये खर्चा हमने CSR एक्टिविटी में किया, तो फंडिंग लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रोजेक्ट आपके पास अच्छा होना चाहिए, अगर अच्छा है तो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे हमेशा लगती है, मैं तो हमेशा एक ही बात जानता हूं कि सीखने के लिए या करने के लिए दोस्त चाहिए। बिल्कुल। और दोस्त अगर आप ये कर रहे हैं तो जितने दोस्त ये करने में बनेंगे वो सारे निस्वार्थ होंगे। इसमें कोई भी स्वार्थ वाला दोस्त नहीं आ सकता आपके साथ, क्योंकि वो आएगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। बिल्कुल सही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और नॉर्मली मैं चार लाइनें बताऊंगा दोस्तों के लिए। मैं कहता हूं कि नियति से कभी कभी भूल हो जाती है, नियति से कभी कभी भूल हो जाती है, इसलिए कुछ लोगों को रिश्तों में नहीं बांध पाती। नियति से कभी कभी भूल हो जाती है, इसलिए लोगों को रिश्तों में नहीं बांध पाती। जब उसे होता है एहसास, नियति को जब यह एहसास होता है कि मुझसे गलती हो गई, जब नियति को यह एहसास होता है कि मुझसे गलती हो गई, तो ऐसे लोगों को दोस्त बना जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भूल सुधार, नियति की ये भूल सुधार, नियति इज दिस नेचर, गॉड ऑलमाइटी जो भी आप माने, नियति की भूल सुधार की लगन इतनी प्रबल होती है, मुझसे गलती हुई ना तो उसे ठीक करना चाहता हूं, तो मेरा डेडिकेशन उस करेक्शन के लिए इतना स्ट्रॉन्ग है कि दोस्ती का बंधन कई बार रिश्तों से भी ज्यादा पक्का हो जाता है। बिल्कुल। और ये जो दोस्त बन रहे हैं, जब आप सीनियर्स के लिए काम कर रहे हैं, ये सारे ऐसे दोस्त हैं जो आपके साथ अंत तक रहेंगे, क्योंकि ये सारे निस्वार्थ हैं। बिल्कुल। और सब आपके जैसे हैं, माइंड यू, सब आपके जैसे हैं। सर कुछ लोगों के मैसेजेस हैं, मैं पढ़ देता हूं जरा सा, कुछ सवाल भी अगर हैं तो। इनोवेटिव रिसर्च मस्ट बी ऑब्जर्व्ड टू डिटरमिन योर ओन इम्बाइब्ड लाइफस्टाइल ऑलवेज, जो हम बात कर रहे हैं। तो ये रोहिणी जी का एक मैसेज था। विनीता जी बोलती हैं, वेरी इंस्पायरिंग टॉपिक। रोहिणी जी बोलती हैं, काइंडनेस इज एट्रीब्यूटेड एज द ट्रेजर्ड गिफ्ट फॉर्चुनेटली टू रियलाइज द वैल्यूज एंड संस्कार्स इटसेल्फ। वेरी नाइस। Moral values and the multitask right supportive caring hand has been really amazing activity, sir. ये आपके लिए appreciation है। दीपा जी कहती है, really doing a great job. Then there are many other great vision to initiate the best possible outcome. देखिए कहाँ से आपने शुरू किया था, आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जो नाम के लिए थी लेकिन कुछ नहीं करती थी, शायद उस टाइम आपको पता भी नहीं होगा कि ये कुछ नहीं करती है, और अब वो कहाँ से कहाँ आ गई, अब वो लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो अब आपका रिटायरमेंट नहीं होगा लगता है। रिटायरमेंट की जरूरत ही नहीं है जी। रोहिणी जी बोलती है, हार्ट टचिंग डिजर्विंग इनिशिएटिव टू बी ग्रेटफुल हूएवर नीड्स kind services on the priority, noblest job really. There are many many more messages like this. Yes, yes. So I read some of them for you. Sir, मैं फिर से अपने श्रोताओं को बताऊं कि यदि आप करना चाहते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। मैं सर्वेश जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ये प्योर प्रोफेशनल आदमी थे, सिर्फ एक दिमाग में लगन थी कि भाई मुझे लोगों की सेवा करनी है, और इनको ये लगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ करना चाहिए। देखिए आपने सब देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जिसमें कुछ नहीं हो रहा था, नाम के लिए थी,
साल में एक क्लब जैसा फंक्शन कर लेते थे। आज वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल अपनी सॉरी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के साथ अफिलिएटेड है। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन गिविंग एडवाइस टू द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट शुड कम इन द सीनियर सिटीजन पॉलिसी एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड यू सी दे आर कनेक्टेड विद हेल्पेज, दे आर डूइंग नाउ डिस्पेंसरी, दे आर डूइंग नाउ, सो दे आर नॉट सर्विंग जस्ट द सीनियर्स, दे आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। इट्स कमेंडेबल आई थिंक। अब सुनाई तो सबको नहीं देगा, बट आई थिंक ही नीड्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो आई एम गिविंग दिस अप्लॉज टू यू सर ऑन बिहाफ ऑफ माई व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। दोस्तों जाने से पहले हमेशा की तरह एक कविता, और उसके बाद आप लोगों को आने वाले त्योहारों वाले वीक के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो ये कुछ इस तरह से है, क्यों हम आंख बंद कर लेते हैं, क्यों हम आंख बंद कर लेते हैं प्रार्थना करते हुए, रोते हुए, सपने देखते हुए। अगर आप नोटिस करें तो हमारी आंख हमेशा बंद होती है जब हम प्रार्थना करते हैं, रोते हैं तो आंख में पानी आ गया तो आंख बंद हो जाती है, और सोते हैं तो नेचुरली आंख बंद होती है। तो क्यों हम आंख बंद कर लेते हैं प्रार्थना करते हुए, रोते हुए, सपने देखते हुए? क्योंकि जीवन के ये सुंदर पल देखे नहीं महसूस किए जाते हैं। सुंदरता सुंदरता जो आंखों में समाए वो क्षणिक, सुंदरता जो आंखों में समाए वो क्षणिक, वो मोमेंटरी होती है, और जो दिल पर छा जाए वो स्थायी होती है। बहुत सुंदर। तभी तो प्यार और सपना बस केवल शब्द हैं। जिंदगी में दो ही चीजें हैं, एक आपको प्यार मिले चाहे भाई बहन का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे दोस्तों का हो, और जो सपने आपने देखे। तभी तो प्यार और सपना बस केवल शब्द हैं। जब तक हम फैसला ना कर लें कि इनकी सुंदरता को दिल पर छा जाने देंगे और इनका अनुभव करने लगेंगे। तो सर जो सर ने अभी बोला कि हम अगर ये मान लें कि हमको भगवान ने ये मौका दिया है और ये हमारा सौभाग्य है कि सेवा करनी है, तभी उस सेवा का आनंद आएगा, वरना इट विल बी लाइक अ जॉब। एंड जो सेवा के आनंद का सुख आपको सर्वेश जी के मुख पर देखने को मिलता है, आप सब समझ गए होंगे कि इस सेवा में कितना आनंद है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सबको आने वाले त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, और जाते जाते जय हिंद। जय हिंद।